गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2.1 में हमको अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमको फाइंड आउट करनी है बाय दी मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। इसको सॉल्व करने की एक मेथड और होती है जिसको हम मेथड ऑफ बैलेंसिंग बोलते हैं, जहां हम एक्स्ट्रा पार्ट जो भी आपका कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको बैलेंस करते हैं LHS और RHS में। तो वो मेथड का हमको यहाँ पे यूज नहीं करना है, हमको मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इस क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए माइनस 2 एक्स्ट्रा पार्ट है, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7, ये माइनस अपना साइन चेंज कर लेगा, ये हो जाएगा प्लस। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 9, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमको सेम मेथड अप्लाई करना है। यहाँ देखिए y प्लस 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 10, प्लस चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 3, y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, आपके पास कितना हो गया बच्चों 7 हो गया, y is equal to 7 आ गया। यहाँ पे आप देखिए 6 is equal to z plus 2। अब यहाँ पे sides बस अलग अलग है, बाकी सारी condition as it is है। तो plus 2 side change करेगा तो minus 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 minus 2 is equal to z, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 is equal to z। ये हमने देखी, हमने यहाँ पे 3 question finish कर लिए। अब देखिए 4th question से आप बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3/7 एक्स्ट्रा पार्ट है प्लस x इज इक्वल टू 17/7। आप 3/7 को ट्रांसपोज कर लीजिए, x इज इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। अब देखिए 7 और 7 का यहाँ LCM निकालना पड़ेगा, तो आपके पास LCM 7 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू 7 टोटल मिलेंगे आप, 7/7 1 इंटू 17 माइनस 7/7 1 इंटू 3, आपके पास आंसर क्या है 14/7, कैंसिल करा लेंगे आप, आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखिए ये 6 इसके साथ यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो 6 इंटू x लिखा हुआ है। अब मल्टीप्लाई जब साइड चेंज करता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/6, कैंसिल कर दीजिए 1 एंड 2, x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2। अब नेक्स्ट देखिए t/5 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा पार्ट है और किसमें बेटा डिवाइड में, साइड चेंज करेगा किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5, टी इज इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया हमारे पास आंसर, टी इज इक्वल टू 50 is equal to 50। अब चलिए देखते हैं आगे के questions। Students, question number 7 में यहाँ पे देखिए 3 divide में side change करेगा multiply में, तो 2x is equal to क्या हो जाएगा 18 multiply by 3, 2x is equal to 18 into 3 कितना होगा 54। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो मतलब multiply sign है, side change करेंगे divide, x is equal to 54 divide by 2, कैंसिल करें कितना आएगा 27, सो x इज इक्वल टू 27 विल बी आवर फाइनल आंसर। आइए चलिए यहाँ देखिए 1.5 यहाँ पे किस में है, यहाँ पे है डिवाइड में, साइड चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में हो जाना चाहिए, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल टू y, आप मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 इनटू 1.5। यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीखी है, कैसे करते हैं, तीन बॉक्सेस आप बना लें 5 6 कितना हो जाएगा 30, यहाँ 1 1 कितना हो जाएगा 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो आपके पास देखिए 1 6 6 5 1 5 टोटल ऐड करें कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे 0 रखेंगे 3 कैरी, तो 3+1 कितना हो गया 4, यहाँ 1+1 कितना हो गया 2 हो गया, और क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 2 के पॉइंट पॉइंट लगा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 2.4, y इज इक्वल टू कितना आ गया 2.4 हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए -9 को हम पहले शिफ्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9,
7x इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 25x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 7। देखिए कितनी इजीली हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13 दिया। सबसे पहले माइनस 8 को शिफ्ट करा लीजिए, 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8। यहाँ पे देखिए 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों 21। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा 21 अपॉन 14। दोनों के दोनों 7 से कैंसिल हो जाएंगे तो 7 टू जा और यहाँ पे 7 थ्री जा, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3/2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पे 17 अकेला दिख रहा है, पी के साथ नहीं है, इसको शिफ्ट करा देते हैं अपन, है ना। तो 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17, 6p इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कराइए माइनस 8p इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 6 कैंसिल करा दीजिएगा, ये आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 3, p इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3 विल बी द फाइनल आंसर। लास्ट वाले केस में यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे अकेला दिख रहा है, आप 1 को पहले शिफ्ट कर लीजिए। x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15 माइनस 1, x by 3 is equal to आप LCM ले लीजिए, LCM 15 आ जाएगा, 1 upon 1 कर सकते हैं इसको, LCM 15 आ जाएगा आपका। 7 minus 1 into 15 कितना होता है बच्चों, 15 होता है। so x by 3 is equal to minus 8 upon 15। अब ये देखिए ये 3 किस में, ये 3 डिवाइड में, साइड चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। So x is equal to minus 8 upon 15 into 3, आप कैंसिल करा दीजिए 1 जा और 5 जा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x is equal to minus 8 by 5, x is equal to minus 8 by 5, फाइनल आंसर आपका आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, बहुत ही इजीली हमने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.1 के सॉल्व कर लिए हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको कोई भी क्वारी हो आप उससे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। थैंक यू।